गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 जो हमारा डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर हम लास्ट अपने टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। तो टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास क्या होगा कि लीनियर इक्वेशन होगी और हम क्या करेंगे कि उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसकी हेल्प से? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे कि मैं सिंपली 3 इक्वेशंस लेता हूं, तो ये मैंने जो है इक्वेशन लिख दी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। किसकी हेल्प से? मैट्रिक्स की हेल्प से। ठीक है, तो करेंगे क्या हम इसमें, सबसे पहले तो वही डिटर्मिनेंट निकालेंगे। हम निकालना सीख चुके हैं। डिटरमिनेंट निकालने के बाद हम इसमें कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर के बाद हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट के बाद हम इनवर्स निकालेंगे। और जब हमारा इनवर्स आ जाएगा, यानी कि ए इनवर्स आ जाएगा, तो लास्ट में हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन निकालेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब इसको करेंगे कैसे वो समझें। तो देखें इसमें क्या है कि सबसे पहले आपने देखना है कि जो आपका डिटरमिनेंट ए है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इसको कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। और जब ये कंसिस्टेंट है तो हम कहेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन है तब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स हम पिछले लेक्चर में निकालना सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई b। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर आपके पास डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप इसको सीधा सोल्व करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हमारा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। ठीक है, आपने क्या करना है, एडजॉइंट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। और इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एडजॉइंट ए हम इनटू बी, ये क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो आप क्या कहेंगे कि ये नो सॉल्यूशन, और क्वेश्चन हमारा वहीं पर ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आपको आगे सोल्व नहीं करना, तो यही हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर। और अगर हमारा एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करते हैं बी से और वो आ जाता है 0, तो हम क्या कहेंगे कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं। अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तब तो आप फार्मूला लगाएंगे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अगर आपका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो इसके बाद हम दो चीज़ें, एक चीज़ निकालेंगे क्या, एडजॉइंट ए इंटू बी। और इसके अंदर दो बातें हो सकती हैं, या तो नॉट इक्वल टू 0 होगा या होगा 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है, और क्वेश्चन वहीं पर फिनिश। और अगर 0 के इक्वल है तब आप इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, और कैसे सोल्व करेंगे वो आपको आगे बताएंगे। तो पहले हम ये वाला केस करते हैं। ठीक है, पहला केस नॉट इक्वल टू 0 वाला। तो देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 4.6 का। हमारे पास 3 इक्वेशन है तो हम इसको यूज़ करेंगे बाय मैट्रिक्स। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको मैट्रिक्स ए निकालना है। तो वो क्या होगा, जैसे एक्स का कोफिशेंट 1, वाई का -1, जेड का 2।
इससे नीचे सेकंड रो बनेगी 3, 4, -5, नेक्स्ट 2, -1, 3, ठीक है, जो इक्वल में है ये हमारे लिए b होगा, 7, -5 और 12, और एक हमारा x होगा। अब ये किस फॉर्म में हमारी, एक्स वाई जेड में, तो ये हमारे लिए x हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये है कि आपने इक्वेशन में से a, b और x को निकाल लेना है। अब क्या करेंगे हम, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो हमने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया, तो 1 के लिए हो गया, देखिए 1 के लिए क्या होगा, 4 को 3 से, -5 को -1 से, तो 12 माइनस माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 5। फिर -1 के लिए आपका आ जाएगा 3 3 9, -5 को 2 से किया -10, प्लस के 10 आ गया। फिर आपका 2 के लिए, 2 के लिए क्या आएगा, 3 को -1 से किया -3, -4 2 8, तो ये आ गया हमारे पास 7 प्लस 19, -3 -8 -11 और 2 -22, तो 7 प्लस 19 26 -22 4, ठीक है, तो ये क्या आ गया, 4 ≠ 0। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू इनवर्स a इंटू बी। तो हम क्या करेंगे, अब इनवर्स a निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनवर्स a निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम c11, ठीक है, c11 क्या होगा यहाँ पर, 1, तो c11 1 और 1 ये 2, इवन है तो प्लस का साइन, 4 3 12, -5 7, ठीक, तो c11 आ गया 7। इसके बाद c12, 1 2 का टोटल ओड है तो माइनस, तो यहाँ पर इसके लिए हो गया 3 3 9, -+10, तो -19, तो c12 हो गया -19, तो c13, तो 3 को, अच्छा 1 3 का टोटल 4, प्लस का साइन, तो 3 को -1 से किया -3 और हमारा आ गया -8, टोटल हो गया -11, तो c13 हो गया -11। c21 की बारी है, तो 3 के लिए क्या होगा, पहले तो 2 1 ओड है तो माइनस, तो -1 को 3 से किया -3 और 2 को -1 से किया -2, -2 +2, तो ये ओवरऑल सोल्व होकर 1 आ जाएगा। c22 के लिए यहाँ पहले प्लस, 3 2 2 4, -1। c23 के लिए 1 को -1 से किया -1, -1 को 2 से किया -2, और 2 में से 1 गए 1, तो -1, तो ये c23 आ गया। तो इनको भी हम लिख देते हैं 1, -1 और -1, तो c31 भी निकाल लेते हैं हम, c32 और c33, तो ये इनका टोटल इवन है, तो प्लस माइनस प्लस, तो c31 इसके लिए क्या होगा, -1 को -5 से किया +5, 2 4 8, -3। 3 2 के लिए -5, 2 3 6, -11 और -11 और माइनस कितना हो गया, +11। अब इस c33 के लिए 4 -+3 7, तो c31 आ गया -3 11 और 7। तो हमने कोफैक्टर निकाल लिया, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो जो c11 है पहले इसको लिख लेते हैं, 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 और 7, और इसका क्या लेंगे हम ट्रांसपोज, तो जो रो है वो कॉलम में बदल जाएंगे, 7
-19 -11, 1 -1 -1 -3 11 और 7। तो हमारे जो रो थे वो कॉलम में चेंज हो गए। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। तो हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है 4 और एडजॉइंट ए निकाल चुके हम 7 1 -3 -19 -1 11 और -11 -1 और 7। ठीक है, तो हमें x निकालना है, उसके लिए फार्मूला बताया मैंने आपको a इनवर्स b। तो a इनवर्स की वैल्यू रख देते हैं हम, और b की वैल्यू पता है हमें। अब जस्ट हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 1/4 मतलब फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से, तो ये करेंगे तो आ गया 49 -5 -36। -19 को 7 से करेंगे तो -133 -- +5। 11 को 12 से किया तो 132। ठीक है, -11 को 7 से किया -77 और -1 को 5 से किया तो +5। 7 को 12 से किया तो प्लस के 84। ठीक है, तो 1/4 और इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 41 को 49 में से किया तो 8। ठीक है, और 84 और 5, 89 में से 77 गए 12। अब बाहर 4 है, 4 को अंदर आप डिवाइड कर देंगे 2, 1 एंड 3। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू है 2, y की 1 और z की 3। तो ये हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है या गलत। अब जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई प्लस 2z, ठीक है, इक्वल टू 7। तो इस इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं हम वैल्यू को। जैसे x की जगह हमने पुट कर दिया 2, y की जगह 1 और z की जगह हमने 3। क्या ये 7 के इक्वल है? 2 - 1 2 3 6, 2 और 6 8, -1 7, तो 7 = 7। तो हमने क्या किया कि जो हमारी x, y, z की वैल्यू आई थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, और पुट करने के बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 मार्क्स के अंदर फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। अब इसकी जो अगली टाइप थी जिसके अंदर डिटरमिनेंट ए हमारा 0 आता है, तो उसको कैसे करते हैं, अब हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें सबसे पहले तो हम ए निकाल लेते हैं। 2 - 1 3, 1 2 - 1, 0 5 - 5। ठीक है ना, यहाँ पर एक्स नहीं है तो हम x के साथ 0 मान लेंगे, तो यहाँ x 0 हो गया और x जो है यहाँ x, y, z और b हमारे लिए हो गया ये 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहला काम डिटरमिनेंट निकालना है हमें। पहला काम डिटरमिनेंट फर्स्ट रो को लेकर 2 2 -5 -10, 5 - 1 -+5, -1। अब इस -1 के लिए 1 को -5 से किया -5, -1 को 0 से किया 0 और लास्ट में हमारा 3। तो 3 के लिए क्या आएगा, 1 5 = 5, 2 0 = 0। तो ये आ गया हमारे पास 2 - 5, -+ -5, 3 5 = 15, सो -10, -5, -15। तो ये ओवरऑल सोल्व करके 0 आ गया। तो हमारे पास अब यहाँ पर दो सिचुएशन बनती हैं। पहला तो यही है कि एडजॉइंट ए निकाल के उसको आपने बी से मल्टीप्लाई करना है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या कहेंगे हम, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर एडजॉइंट ए बी के इक्वल आता है
तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम इसको सोल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो कोफैक्टर के लिए सबसे पहले तो मैं इनको 2x2 मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ ताकि ईजी रहे। C12 के लिए ये ओड है, -1 -5 0 -5। C13 के लिए हो जाएगा 1 2 0 5, ठीक है। ऐसे C21 के लिए ओड है इनका टोटल, तो -1 3 5 -5। और C22 के लिए 2 3 0 -5। तो पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं। 2 को -5 से किया तो माइनस के 10, और --+5 तो ये -5 आ गया, ठीक है। C12 आ जाएगा हमारे पास 5, C13 5, C21 10, C22 -10, ठीक है। अब इसके बाद हम C23 निकालेंगे, तो C23 के लिए पहले तो माइनस, क्योंकि इनका टोटल ओड है, 2 -1 0 5। C31 इनका टोटल इवन है, तो -1 3 2 -1। अब दो रह गए हमारे C32 और C33। तो C32 के लिए हो जाएगा हमारा, इनका ऑड बन रहा है तो -2 3 1 -1, और C33 के लिए हो जाएगा 2 -1 1 2। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। 2 5 10 0 -10, --+1, 2 3 6, -5, 2 -1 -2 -3, और -+5, और लास्ट में आ गया 2 2 4, -+1 4 + 1 5। तो ये हमने क्या किया कि कोफैक्टर निकाल लिए। तो अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो जो कोफैक्टर थे वो हमने ब्रैकेट में लिखिए, और अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम। तो हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। तो अब एडजॉइंट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 10 -5 5 -10 5 5 -10 5। तो बी स्टार्टिंग में दिया हुआ था हमें, बी था 1 2 3। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को फिर पहले कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो को फिर पहले कॉलम। तो मैं सीधा इनको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो क्या आएगा ये, ठीक है। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है, सावधानी से, जरा सी भी प्लस माइनस की गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर -5 -15 -20 -20 0 5 और 15 20 -20 0 5 और 15 20 -20 0। तो ये ओवरऑल हमारा जॉइंट ए बी 0 आ गया, ठीक है। तो इसके कितने क्या सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है उस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। अब इसमें क्या आ गया कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो आपने क्या करना है, इसको ये ध्यान रखेंगे कि जो जेड है इक्वेशन के अंदर, जो पहली तीन इक्वेशन थी उसमें जो जेड है उसको आपने क्या सपोज कर लेना है, के, ठीक है। और क्या है उसके बाद क्या करना है, देन फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशंस बिकम, तो पहली दो इक्वेशन क्या बन जाएंगी आपकी, जेड की जगह के रखने पर 2x -y 1 -3k, x + 2y 2+k। तो कहने का मतलब ये टू इक्वेशंस बन गई लीनियर एक्स वाई की फॉर्म में। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, 2x2 का मैट्रिक्स निकालूंगा, 2 -1 1 2, और इक्वल वाली टर्म जो है वो डी हो जाएगी, 1 -3k 2+k, और लास्ट में ये जो एक्स वाई है हम इसको कैपिटल वाई नाम दे देंगे। जैसे जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हम सी की जगह क्या लेते थे, ए,
डी की जगह क्या लेते थे, बी, और वाई की जगह क्या लेते थे, एक्स। तो यहाँ पर जो 2x2 मैट्रिक्स आ गया, इसमें हम इसको सी डी और वाई नाम दे देंगे। अब काम वही करना है, सबसे पहले क्या करोगे आप, इस सी का डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो डिटर्मिनेंट सी निकालेंगे हम, 2 -1 1 2, तो ये आ गया 4 + 1 5 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें को फैक्टर निकालेंगे, C11 क्या आएगा, 2 के लिए अपोजिट 2, क्योंकि 2x2 का है। C12 के लिए -1 का अपोजिट 1, अब इनका ऑड बनता है तो ये -1 हो जाएगा। C21 के लिए अपोजिट -1 और -+1 हो जाएगा, और C22 के लिए अपोजिट इसका 2। तो एडजॉइंट C2 -1 1 2 का ट्रांसपोज, तो ये लेंगे तो 2 -1 1 2। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो अब C का इन्वर्स लेंगे और ये क्या आएगा, एडजॉइंट C अपॉन में डिटरमिनेंट C। डिटरमिनेंट C कितना था, 5, एडजॉइंट C कितना गया, 2 -1 1 और 2। ठीक है, तो हमने क्या किया कि C इन्वर्स निकाल लिया। नेक्स्ट क्या होगा, Y इक्वल टू C इन्वर्स D। ठीक है, ये निकालना है। जैसे वहाँ पर क्या करते थे हम शुरुआत में 3x3 में, X इक्वल टू A इन्वर्स B, लेकिन अब हम क्या करेंगे, Y इक्वल टू C इन्वर्स D। तो Y इक्वल टू C इन्वर्स D, तो C इन्वर्स क्या था, 1/5, 2 1 -1 2, और D की वैल्यू थी 1 -3 के, अब और नीचे क्या था, 2+k। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा रो को कॉलम के साथ, 2 -6k + 2+k, फिर सेकंड रो को फर्स्ट के साथ, -1 + 3k, 4 + 2k। तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ गया -k 5k + 4, 5k + 3। ठीक है, तो y क्या था, xy, तो हम यहाँ से x की वैल्यू क्या बताएंगे, 5 को डिवाइड किया तो -5k + 4 / 5। तो y की वैल्यू 5k + 3 / 5। ठीक है, जो ये पहले टर्म है इसको 5 से करेंगे तो वो आपका x आ गया, 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो y आ गया। ठीक है, अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर थर्ड है उसमें इसको पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड थी, तो y की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 5k + 3/5, जेड को हमने k माना था, तो लेफ्ट हैंड साइड 5 से 5 कैंसल, 5k + 3 - 5k = 3, 5k से 5k कैंसिल हो गया, तो 3 = 3। ठीक है, विच इज़ ट्रू। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है, जो x निकाल चुके हैं -5k + 4/5, y की वैल्यू 5k + 3/5, और z हमारा k, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें से ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एनुअल एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या क्वेश्चन आएगा, सोल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो ये जो आज हमने मेथड किया है इसको हम मैट्रिक्स मेथड कहते हैं, और वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ कि एनुअल में या जो प्री एनुअल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सभी में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और जो मैंने ये 2 क्वेश्चन करवाए हैं और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, और दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर आता ही है। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो खूब मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, माता पिता का नाम रोशन करें। जय माता दी।